हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी डीआई शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी अगर आपके स्किन पे एक्ने हो या फिर आपके स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही हो तो ये उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी स्किन को ब्राइट स्मूथ एंड हेल्दी बनाएगी तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते एक सेकेंड एक सेकेंड एक से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब

इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लूंगी तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच पेस्ट लिया है और उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच कर्ड यानी कि दही ऐड कर दे रही हूँ और लास्ट में मैं इसमें लेमन ऐड करूंगी तो लेमन को मैं कट कर लेती हूँ ये मेरा हाफ लेमन है इसमें ज्यादा लेमन ऐड नहीं करना है मुश्किल से सिर्फ छह से सात बूंदे ही इसमें हमको ऐड करनी है क्योंकि लेमन में साइट्रिक एसिड होता है जो कि ज़्यादा हमारे फेस के लिए हार्मफुल होता है तो मैंने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिला के इसका एक थिक पेस्ट रेडी कर लेती हूँ जो कि हमारे फेस पर अप्लाई करने में हमको ईजी रहे तो गाइज आप देख सकते हैं मेरा जो थिक सा पेस्ट है वो रेडी हो गया है तो अब हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे इसको फेस पर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जरूरी बात है कि हमारा फेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए फेस को अच्छे से वॉश कर लेना तो यहाँ पे जो दही है वो मेरी थोड़ी सी ठंडी है क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी बट ये बहुत ज़्यादा ही फ्रेश फेस पैक है तो इसको मैं अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ इसमें मैंने धनिया पत्ती ऐड की है जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ये हमारे फेस को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है साथ ही साथ हमारे फेस के ब्लैक हेड्स को रिमूव करती है स्किन को ब्राइट बनाती है और फेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाती है फेस पर अगर फाइन लाइन की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करती है हमारे फेस पे ये एकदम एंटीसेप्टिक जैसा काम करती है इसको हमको वीक में दो से तीन बार ही अप्लाई करना है ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है इसमें हमने दही ऐड किया है जो कि हमारे सनबर्न को रिमूव करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है ये भी एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है तो आप देख सकते हैं मेरा फेस पैक लग चुका है मैं इसको 10 से 20 मिनट के लिए रखूंगी और आप देख सकते हैं 10 से 20 मिनट बाद ये अच्छे से तो नहीं सूखेगा लेकिन हाफ सूख गया है तो उसके बाद मैं वॉश कर लेती हूँ और आप देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और मेरा फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग ब्राइट और स्मूथ लग रहा है ये बहुत ही अच्छा है स्क्रब के जैसा काम करता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एक स्क्रब माना जाता है इसमें हमने लेमन भी ऐड किया था ये हमारे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है तो गाइज आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम ज्यादा ब्राइट क्लीन और सॉफ्ट लग रहा है तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये था मेरा आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद ही आ गई है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक बाय बाय टेक केयर कीप लविंग कीप सपोर्टिंग